नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, XM EYE। ये एक हमारा DVR है XM EYE, जिसका कि सॉफ्टवेयर है, जिसको कि अगर आपको CMS के थ्रू ऑपरेट करना है, यानी मीन्स कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं, आप कैमरेज को देखना चाहते हैं क्लाउड पे या IP पे या लोकल IP पे, तो आप कैसे देख सकते हैं। अक्सर कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि हम लोग जो है कंप्यूटर के थ्रू जब कैमरेज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी बार प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने के बावजूद भी हम लोग लॉगिन नहीं कर पाते हैं कैमरेज को, तो वहाँ पर आपको इस CMS की ज़रूरत पड़ती है। तो ये XMI CMS, जो इसका CMS है, वो हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। इसके लिए दो CMS हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मेंशन किया है, जिनको कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक CMS को, ये हमारे पास CMS है और इस CMS को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो इस तरीके से देखिए, अभी आपका CMS हमारे PC में इंस्टॉल हो जाएगा और डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बन जाएगा। फिर इसके बाद हम एक NVR को क्लाउड के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे क्लाउड से ये NVR लॉगिन हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो ये हम फिनिश कर देंगे और फिनिश करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, आप चाहें तो कोई और लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और देन ओके करेंगे। अब कुछ इस तरह का आइकॉन आपका मेनू ओपन हो गया आएगा, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो है ये विंडो आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ थोड़ा जाएंगे। ये देखिए, इस कुछ इस तरह की विंडो आपकी ओपन होगी। तो यहाँ पर डिवाइस लिस्ट इज़ एम्प्टी, तो यानी हमारे पास अभी कोई भी डिवाइस इसमें एडिड नहीं है। तो हम इसमें पहला डिवाइस ऐड करेंगे, यहाँ पर सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम के बाद ऑप्शन आता है डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर में आप यहाँ देखेंगे जोन लिस्ट, ये पूरी जोन लिस्ट हमारी खाली है, यहाँ पर भी कोई भी डिवाइसेस ऐड नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड एरिया करेंगे, तो एरिया जोन आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, कि सपोज इंडिया कर सकते हैं, लाइक दिस, जो भी आप चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं नाम। और उसके बाद फिर आप इस इंडिया के अंदर आप अपना डिवाइस ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस आएंगे, IP एड्रेस का, डोमेन का, ARSP एंड क्लाउड। हम यहाँ पर क्लाउड में कनेक्ट करके देखेंगे और यहाँ पर आप जो है अपने डिवाइस का सीरियल नंबर डालेंगे। ये सपोज हम अपने डिवाइस का एक सीरियल नंबर डाल रहे हैं, और यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपका पासवर्ड है, एंड देन आप इसको ओके करेंगे। और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर ये टेस्ट करके जैसे जो आपका डिवाइस है ये मेंशन हो गया है, और यहाँ पर आप ओके करेंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टेस्ट पे। तो टेस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो है कैमरेज, देखिए यहाँ पर कैमरेज आ गए हैं। 16 पोर्ट का हमारा NVR है, तो ये आ गया है। कैमरे को हम जैसे फर्स्ट कैमरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम D1 पे क्लिक कर देंगे और आपका जो है पहला कैमरा देखिए ये आ गया। इसी तरीके से जो भी कैमरेज हमारे एक्टिव हैं, ये हमारा सपोज 5th नंबर कैमरा है, अब इसको हम एक्टिव करना चाहते हैं, तो ये हमारा कैमरा एक्टिव हो गया। कोई भी कैमरा जो भी हम एक्टिव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल ये ऑपरेशन है, जो कि CMS का जो एक्टिवेट करने का हमने दिया है। और आप अगर आपके अगर XMI DVR का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।